जाओगे? बेलापुर, नामपुर, फतेहगढ़, रामगढ़, कहाँ जाना है बोलो? अरे क्या कभी तांगा नहीं देखा पहले? ये गांव खेड़ा है साहब, यहाँ मोटर गाड़ी नहीं मिलेगी कि बैठे और गर्रर से चल दिए। यहाँ तो बसंती का तांगा ही चलता है। देखो मुझे बेफिजूल बात करने की आदत तो है नहीं, चलना है तो बोलो चलना है। अरे भाई हमको तो चलना नहीं है। चलना है तो ठीक है, कोई बात नहीं, अब बसंती से कोई दुश्मनी तो नहीं हो जाएगी। तुम बाहर निकले तो मैंने सोचा कि तांगा करोगे तो पूछ लिया, अब कोई जबरदस्ती का सौदा तो है नहीं। बैठे बैठे नहीं बैठे नहीं बैठे। अरे ये तो बसंती का तांगा है, किसी जमींदार की बेकारी थोड़ी है कि मर्जी न मर्जी करना ही पड़े। तो आज तो वही मिसाल हो गए कि हाँ चलिए चलना है चलना है चलना है यार। हाँ हाँ तो आ जाओ, मैंने कब मना किया? देखो मुझे बेफिजूल की बात करने की आदत तो है नहीं, इसलिए पहले इसे बोल देना अच्छा है। बेलापुर का 2 रुपया और रामगढ़ का 1.5 रुपया, इसमें झिकझिक मत करना। बसंती जो बोल गई सो बोल गई। हाँ तो ठीक है हम तो हाँ हाँ समझ गई। तो यही पूछोगे ना कि बसंती बेलापुर का 2 और रामगढ़ का 1.5 क्यों? तब पूछोगे तांगा किस गांव का है। पूछो पूछो। किस गांव का है जी? रामगढ़ का है। अच्छा तो रामगढ़ का है। क्योंकि देखने वाली बात ये भी है कि अगर हम बेलापुर की सवारी लें तो 2 चक्कर हो जाते हैं, यहाँ से बेलापुर, बेलापुर से रामगढ़, और अगर रामगढ़ गए तो समझो रामगढ़ गए, क्योंकि तांगा भी रामगढ़ का है और हम भी रामगढ़ के हैं। ये तो हुई हमारी बात, अब ये बताओ कि तुम कहाँ जाओगे? यूँ के हम भी रामगढ़ ही जाएंगे। हाँ हाँ तो चलो, मैंने कब मना किया? क्योंकि वहाँ किसके घर जाना है ये तो बताना ही पड़ेगा कि बसंती उस घर को ले चलो, क्योंकि अगर हमको ये नहीं पता कि तुमको जाना कहाँ है तो हम तांगा रोकेंगे कहाँ, और अगर हमने तांगा नहीं रोका तो तांगा रुकेगा कैसे? क्योंकि देखने वाली बात ये है कि तांगा चला कौन रहा है, तांगा हम चला रहे हैं, और अगर हम ही ये न जाने ठाकुर बलदेव सिंह के घर जाना है। हाँ हाँ तो चलो, मैंने कब मना किया? तो फिर बोलो ना ठाकुर साहब के घर जाना है। समझो ये कि माँ बाप तो हमारे पहले ही से नहीं थे, और फिर मौसा के बाद मौसी, और तांगे की जिम्मेदारी किस पर आ गई? हम पर आ गई। लोग हमसे ये भी कहते हैं कि बसंती लड़की होकर तांगा चलाती हो, तो हम उसका जवाब ये देते हैं, धन्नो घोड़ी होकर तांगा खेल सकती है तो बसंती लड़की होकर तांगा क्यों नहीं चला सकती? बोलो इसमें क्या बात है, शहर में भी तो लड़कियां मोटर गाड़ियां चलाती हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। रहने वाले शहर के हो लेकिन समझदार लगते हो, क्या नाम है? वीरू। तुमने ये नहीं पूछा कि हमारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है बसंती? चुप है, जब देखो बकबक 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 करता रहता। क्योंकि हमने आपसे तो बात नहीं की थी, लेकिन अगर हमसे ये पूछ ही लिया तो हम बता ही देते हैं हमारा नाम बसंती है। पहली बार सुना ये नाम। बसंती बड़ा प्यारा नाम है। हमारा नाम बसंती क्यों रखा गया, इसके पीछे भी एक बात है। क्या बात है बताओ बताओ। वह ये कि जब मैं छोटी सी थी तब मौसी के देवर की सास ने कहा क्या कहा? कमाल हो गया, तुम लोगों की बातों में रास्ते का पता ही नहीं चला। हाँ हमें जरा बात करने की आदत ज्यादा है। ये रहा तुम्हारा 1.5 रुपया। यूँ कि तुम आदमी अच्छे हो इसलिए तुमसे पैसा तो लेना नहीं चाहिए, लेकिन अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या, इसलिए हम ये 1.5 रुपया ले लेते हैं। बहुत मेहरबानी आपकी। चल धन्नो पलट। हाय क्या प्यारी बातें करती है। प्यारी नहीं बहुत सारी बातें करती है। चल यहाँ लड़की देखी लाइन लगाना, चलो चल चलना। आइए आइए आइए। नमस्ते ठाकुर साहब। यहाँ पहुंचने में तकलीफ तो नहीं हुई? जी कोई खास नहीं। आइए। अगर एक खत डाल देते तो मेरा आदमी स्टेशन आ जाता। तुम्हारे रहने का बंदोबस्त कर दिया है,
किसी चीज की जरूरत हो तो मांग लेना। रावलाल मेरा वादा था गांव पहुंचते ही तुम्हें 5,000 मिल जाएंगे। काम अच्छी तरह याद है ना, मुझे गब्बर चाहिए जिंदा। जी हाँ याद है, आपको गब्बर चाहिए और जिंदा चाहिए, मिल जाएगा। थके हो गए, आराम करो, बाकी बातें बाद में करेंगे। आइए। सुनिए, आप लोग वहां चलिए, मैं चाबी लेकर आता हूं। तिजोरी में काफी माल है। लगता है इस गांव के लोग सोना बहुत पहनते हैं। बोल क्या बोलता है? काफी बड़ा मकान है। अच्छा है, कौन कौन रहता है यहाँ पर? चाबी, ये आपके रहने की जगह है, किसी चीज की जरूरत हो तो पुकार लीजिएगा। पुकार लेंगे। यार वीरू, चक्कर क्या है कुछ समझ नहीं आया? हमें क्या लेना है जय? 10,000 ठाकुर ने दे दिए हैं, बाकी आज रात को तिजोरी में झाड़ू मारकर फूट चलेंगे। ठीक है, अगर रात को जागना है तो अभी सो लें। चल। ठाकुर साहब, ये लोग? ये मेरे आदमी हैं। तो फिर इन्होंने हम पे हमला क्यों किया? मैं देखना चाहता था, अब भी तुम में वही हिम्मत और ताकत है या वक्त की दीमक ने तुम्हारे बाजुओं को खोखला कर दिया? तो फिर क्या देखा आपने? मैंने देखा तुम्हें यहां बुलाकर मैंने कोई गलती नहीं की। एक गलती की ठाकुर साहब, हमें तिजोरी खोल कर दिखा दी।
ये लो तिजोरी की चाबी, इसमें मेरे वो गहने हैं जो मेरे लिए बेकार है। मुझे अब कभी इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़े बहुत पैसे हैं, वो भी ले जाओ। अच्छा है, बाबूजी की झूठी उम्मीदें तो टूटेंगी जो उन्होंने तुम लोगों से लगा रखी। सुनिए, कल रात जो हुआ वो दोबारा नहीं होगा।